नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल कुकरीपुर सठियाओ आजमगढ़, एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की पंपर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, एडमिशन ओपन। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से भावी प्रत्याशी श्रीवड़ी यादव को महाप्रधान चुने। और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने समस्त जनपद वासियों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो राज्य की बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्थित कोविड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल के टोल फ्री नंबर पर अवश्य जानकारी दें, जिससे कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की तत्काल सैंपलिंग कराई जा सके। इसी के साथ ही जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, यदि उसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो उक्त नंबरों पर तत्काल सूचित करें, जिससे कि समय रहते सहायता की जा सके। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने से पहले मरीजों की कोविड जांच नहीं की जा रही है। जब मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो इस मरीज को राजकीय मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जा रहा है। यह उचित नहीं है। किसी भी मरीज को इलाज के लिए भर्ती करने से पहले मरीज की कोविड जाँच अवश्य कराएँ, ताकि समय रहते कोविड का इलाज हो सके। में कोरोना की स्थिति लगातार जो पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना और किस तरीके से उसे निपटा जा रहा है? देखिए, केवल आजमगढ़ में नहीं है, पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, पूरे देश में देखेंगे सभी जगह बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, सारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, सारे कर्मचारी अधिकारीगण पूरी तरह से इसमें लगे हुए, तत्परता से लगे हैं। डेली इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में बैठक करके एक चीज़ की रिव्यू करते हैं। मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह की कोई दवाई की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, सब बिल्कुल 100% हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि हमारे पास आगे का भी स्टॉक हमने रखा हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात थी वो आज हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो वो कमी जो थी वो भी खत्म हो जाएगी। साथ में जहाँ तक बात करें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और बाकी चिकित्सा जो ब्लॉक्स पे है, वो सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली कर रहे हैं, उसके डेली हम रिव्यू करते हैं और साथ में उनकी सैम्पलिंग्स भी हो रही हैं। केवल अनुरोध सभी मेरा जनमानस से यही है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि लोग बड़े धीरे बड़ा लेट आके बता रहे हैं कि साहब हमें बुखार हो रहा है या कोई समस्या है, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि समय रहते जैसे ही उनको लक्षण दिखते हैं वैसे ही अगर संपर्क करेंगे तो उनका इलाज सही समय पे इलाज करना कोरोना का बहुत आवश्यक है, क्योंकि देरी होने पे उसको रिकवर करना पेशेंट को दिक्कत होती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि छुपाए ना, शर्माए ना, घबराए ना। अगर उनको लक्षण दिखता है तो CSC पे जाके हर ब्लॉक में हमारे स्टैटिक कोरोना की स्ट्रिप्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है टेस्टिंग करने के लिए। वहाँ पर जाएँ, अपना टेस्ट कराएँ, 24 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट भी प्राप्त हो रहे हैं, और उसके बाद अपना होम, जब तक रिजल्ट नहीं आता है अपने घर में ही रहें, तो उस तरह आप अपने आप को भी बचा पाएंगे और औरों को भी संक्रमण फैलाने से बचा पाएंगे। और साथ में जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिनको यहाँ से लगातार कंट्रोल सेंटर से हमारे कम से कम 5 से 6 हज़ार फोन डेली जाते हैं, जो पॉजिटिव हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको जो कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। सबको दवाइयों की किट जो पॉजिटिव आ रहे हैं दी जा रही है, हमारी RT जाके उनको देती है, तो दवाइयों के सेवन के लिए जो बताया गया है किस किस तरह लेनी है उसका प्रॉपर सेवन करते रहें। और अगर कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन होम आइसोलेशन में आती भी है तो कंट्रोल कमांड सेंटर पे जरूर बताएं, जिससे कि समय रहते उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। सबसे अधिक आवश्यकता इसमें यह है कि सही इलाज, समय से इलाज, दो चीज़ें करानी बहुत आवश्यक है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है। दूसरा, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, काफ़ी प्रचार प्रसार में लोग इधर उधर जा रहे हैं, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। प्रचार प्रसार में जो आ रहे हैं लोग, घर घर जाके दूरी बना के प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इस बीमारी का प्रसार रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस बार जो वायरस है वो काफ़ी कॉन्टेजियस है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2 गज की दूरी हर एक से बनाए रखें। आपको पता नहीं है कि आपके अगल बगल वाले को अगर लक्षण आने में 3-4 दिन लग जाते हैं, पर वो कोरोना का कैरियर हो सकता है। तो हर एक से 2 गज की दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। मास्क हर समय, घर से बाहर निकले तो हर समय मास्क पहनना बहुत आवश्यक है, और साथ में हर 1-2 घंटे में आपको हाथ धोना या सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। इस सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जो जनपद में जो केस बढ़ रहे हैं उसको हम कम कर पाएंगे। तेजी से बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल को पूरी कड़ाई से लागू कराने के लिए सघन चेकिंग अभियान चला रही है।
14 अप्रैल को पूरे दिन चेकिंग अभियान चला। दिन में चौराहों तिराहों पर अभियान चलाकर मास्क चेकिंग व सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता ने मैफोर्स रोडवेज क्षेत्र में मास्क की चेकिंग की। इसके उपरांत रेस्टोरेंट व होटल की चेकिंग भी की गई। होटल व रेस्टोरेंट की चेकिंग में भी तमाम अनियमितताएं सामने आईं। पुलिस अधीक्षक ने कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल सभी अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए। कोविड प्रोटोकॉल का पूरे जनपद में पालन कराया जा रहा है। मास्क की चेकिंग कराई गई है, डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और आज उसी क्रम में ये होटल्स जो हैं, होटल्स और उनके रेस्टोरेंट्स, इन्हें चेक किया गया कि वहाँ पर कोविड के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ कमी देखने को मिली है, इन्हें सचेत किया गया है कि इन्हें सुधारें, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने नगर के कोट किला मोहल्ले से दो दिन पूर्व हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए बुधवार की रात वारदात को अंजाम देने वाले युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चुराए गए 4,38,000 रुपए भी बरामद कर लिया है। नगर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता के अनुसार शहर के कोट किला मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने दो दिन पूर्व अपने घर में हुई लाखों की चोरी की बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस घटना की विवेचना पहाड़पुर चौकी प्रभारी विनय कुमार दुबे को सौंपी गई थी। बुधवार की रात विवेचनाधिकारी विनय कुमार दुबे शहर के तकिया मोहल्ला स्थित तिराहे पर मौजूद थे। तभी उन्हें जानकारी मिली कि चोरी की वारदात में वांछित आरोपी थर्मोनाला पुलिया के समीप मौजूद है। सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने बताया गए स्थान पर दबिश देकर वहां मौजूद युवक को काबू में कर लिया। पकड़े गए युवक की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 4,38,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी अबुसाद पुत्र मोहम्मद फारूक क्षेत्र के धर्मुनाला इलाके का निवासी है। 14 अप्रैल से अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई। 20 अप्रैल तक चलने वाले सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लोगों को अगलगी की घटनाओं के प्रति सचेत करने के साथ ही आग से बचाव के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसी क्रम में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने 66 जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अग्नि सुरक्षा सप्ताह का श्रीगणेश किया। 15 अप्रैल को दमकल विभाग ने नगर में जन जागरूकता वाहन रैली निकाल लोगों तक संदेश पहुंचाया कि आग बुझाने से बेहतर है आग की रोकथाम। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे का कहना था कि अमूमन लापरवाही के चलते ही आग लगती है, लिहाजा लोगों को जागरूक करने का प्रयास हो रहा है कि अगलगी की घटनाओं को रोका जा सके और आग से होने वाली जनधन की क्षति को कम किया जा सके। देश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लोगों में आग के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जो है कल पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का प्रारंभ किया गया। इसके क्रम में आज जो है अग्निशमन वाहनों की एक रैली यहां से फायर स्टेशन ब्रह्मस्थान से पहाड़पुर कोतवाली सिधारी रायदोपुर डीएम ऑफिस होते हुए जो है सारी जगह पूरे शहर का भ्रमण करते हुए लोगों में पंपलेट बांटते हुए कि आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें इसकी जानकारी देते हुए पंपलेट बांटते हुए एक रैली निकाली गई है और ये कार्यक्रम जो है वो लगातार चलता रहेगा क्योंकि आग जो है जागरूकता से ही रुक सकती है, लापरवाही से ही आग लगती है और अगर छोटी सी लापरवाही अगर हम ना करें, जागरूक रहें तो आग से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता ओवरऑल नियंत्रक अधिकारी इंदुकांत श्रीवास्तव ने अपने पद के कर्तव्यों और दायित्वों का अनुपालन न करने पर द्वितीय निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम के सहायक अभियंता रणविजय सिंह और प्रशासनिक अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर विभागीय अनुशासन की कार्रवाई की संस्तुति करते हुए आरोपों की जांच के लिए मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र पदेन जांच अधिकारी नामित किया है। निलंबन काल में दोनों अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता अस्थायी निर्माण मंडल उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। जल निगम के निलंबित अधिकारियों के खिलाफ शासन में शिकायत की गई थी कि खंड कार्यालय में वेतन के लिए धनराशि प्राप्त होने के बाद भी समय के अंतर्गत वेतन वितरण की कार्रवाई नहीं की गई।
वेतन व पेंशन के भुगतान संबंधी चेक पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता बरतने और खंड के अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई। साथ ही बिना सूचना के शाम 4 बजे के बाद कार्यालय से अनुपस्थित रहे। नियम विरुद्ध कार्य करने से विभाग की छवि धूमिल हुई है। के गुप्ता अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जल निगम एक्सियन व लेखाकार के खिलाफ वेतन भुगतान समय से न करने की शिकायत शासन से कई बार की गई थी, जिस पर एमडी ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता कार्यालय से संबंध कर दिया है। मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र को जांच अधिकारी नामित किया गया है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना पुलिस ने गुरुवार की सुबह मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मऊ जनपद के एक हिस्ट्री सीटर को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। कप्तानगंज थाना प्रभारी देवानंद को गुरुवार की सुबह जरिए मुखबिर सूचना मिली कि क्षेत्र के गढ़हन बुजुर्ग गांव में निवास करने वाला अपराधी प्रवृत्त युवक क्षेत्र के गोपलापुर पुलिया के पास मौजूद है। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बताए गए स्थान पर दबिश दी और वहां मौजूद युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार किया गया सुमंत राय उर्फ मोनू पुत्र दुर्गविजय राय मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिकड़ौत सिंहपुर गांव का मूल निवासी है। इस संबंध में कप्तानगंज थाना प्रभारी का कहना है कि गिरफ्तार किया गया सुमंत राय मऊ जनपद का हिस्ट्री सीटर घोषित अपराधी है। उसके खिलाफ मऊ एवं आजमगढ़ जनपद के विभिन्न थानों में 15 संगीन मामले दर्ज हैं। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक पेंट पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटरप्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओ में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।